हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फूड एग्री क्लासेस। माई सेल्फ रश्मिकांत रावत। तो आज हम आपके लिए लाए हैं लिपिड्स के बारे में बताएंगे आपको। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करें अगर आपको अच्छी लगे हमारी वीडियो। तो आइए आपको हम बताते हैं लिपिड्स के बारे में। तो वॉट इज लिपिड्स? द वर्ड लिपिड्स इज ड्राइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड लिपोज विच मीन्स फैट। बायोलॉजिकली लिपिड्स आर केमिकली डाइवर्स ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड विच आर द इनसॉल्युबल इन वाटर। दे आर सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट सच एज ईथर। मोस्टली जो फैटी एसिड होते हैं डेट आर डिजॉल्व इन क्लोरोफॉर्म, ईथर, बेंजीन एक्सेट्रा। लिपिड्स आर हाइड्रोफोबिक इन नेचर ड्यू टू द प्रीडोमिनेंस ऑफ हाइड्रोकार्बन चेन CH2 एंड CH2 इन देयर स्ट्रक्चर। हाइड्रोफोबिक क्या होता है? हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक मैंने पिछली वीडियो में बताया था। ये एम्फीफैटिक जो मॉलिक्यूल होते हैं उनका उनमें दो पॉइंट वो होते हैं, पॉइंट हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक। और जो हाइड्रोफिलिक होते हैं वो होते हैं वाटर लविंग, एंड हाइड्रोफोबिक होते हैं वाटर फियरिंग। तभी तो जो लिपिड्स होते हैं उनको हाइड्रोफोबिक बोला जाता है, क्योंकि वो वाटर में इंसॉल्वेंट होते हैं, इसीलिए उनको हाइड्रोफोबिक होते हैं। लिपिड्स आर हाइड्रोफोबिक नेचर। मतलब हाइड्रोफिलिक जो होते हैं वो वाटर के, मतलब वाटर लविंग होते हैं, और हाइड्रोफोबिक जो होते हैं वाटर फियरिंग होते हैं। इसीलिए लिपिड्स जो इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में, इसलिए उनको लिपिड्स क्या कहता है? हाइड्रोफोबिक नेचर। और एम्फीफैटिक क्या होता है? ऑल लिपिड्स मॉलिक्यूल इन सेल मेम्ब्रेन, उन्हें कहते हैं एम्फीफैटिक। चलिए आगे देखते हैं। अनलाइक द प्रोटीन न्यूक्लिक एसिड एंड पॉलीसेक्राइड, लिपिड्स आर नॉट पॉलीमर्स। दे आर चीप स्टोरेज फ्रॉम एनर्जी। दे प्रोवाइड सिक्स फोल्ड एज मच एनर्जी एज इक्विवेलेंट मास ऑफ ग्लाइकोजन। फैट एंड ऑयल आर द प्रिंसिपल स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी इन मैनी ऑर्गेनिज्म। लिपिड पार्टिसिपेट इन ऑक्सीडेशन फास्फोरिलेशन। लिपिड जो पार्टिसिपेट करते हैं ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। नेक्स्ट, नेचुरल लिपिड्स अपॉन हाइड्रोलिसिस यील्ड ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड। मैनी लिपिड्स मॉलिक्यूल आर एम्फीफैटिक। मैंने पीछे एम्फीफैटिक के बारे में बताया था। ऑल लिपिड्स मॉलिक्यूल इन कॉल्ड इन सेल मेम्ब्रेन एम्फीफैटिक, एंड एम्फीफैटिक हैव हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक नेचर। और मैंने पिछला बता दिया है पहले, तो यहाँ नहीं बताएंगे। मैनी लिपिड्स मॉलिक्यूल आर एम्फीफैटिक्स। इन एक्वस एनवायरमेंट लिपिड्स मॉलिक्यूल एसोसिएट बाई नॉन कोवेलेंट इंट्रैक्शन टू फॉर्म सुपर मॉलिकुलर स्ट्रक्चर सच एज मोनोलेयर, माइसिलियर, बाइलेयर एंड विसाइल्स। नेक्स्ट डेफिनेशन, लिपिड्स मे बी रिगार्डेड एज ऑर्गेनिक सब्सटेंस रिलेटेड टू इनसॉल्विबल इन वाटर, सॉल्विबल इन द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक एथर, क्लोरोफॉर्म, बेंजीन। पोटेंशियल रिलेटेड टू फैटी एसिड एंड यूटिलाइज बाई द लिविंग सेल। फंक्शन ऑफ लिपिड्स, दे सर्व एज स्टोरेज फ्रॉम द मेटाबॉलिक फ्यूल लाइक फैटी एसिड एंड ट्राइग्लिसराइड। दे सर्व एज अ ट्रांसपोर्ट फ्रॉम मेटाबॉलिक फ्यूल लाइक फ्री एसिड, ट्राइग्लिसराइड एंड कोलेस्ट्रॉल एस्टर। दे प्रोवाइड द स्ट्रक्चर कंपोनेंट ऑफ द मेम्ब्रेन, फॉस्फोलिपिड्स, ग्लाइकोलिपिड्स, इलेक्ट्रोलिपिड्स, स्पेंगोलिपिड्स। आई एम रिपीट अगेन, फंक्शन ऑफ लिपिड्स, दे सर्व एज स्टोरेज फ्रॉम द मेटाबॉलिक फ्यूल। ये जो मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है उसमें ये लिपिड्स काम करते हैं। और वो कौन कौन से लिपिड्स होते हैं जो स्टोरेज करते हैं? जैसे हम कोई काम करते हैं तो हमें एनर्जी कहाँ से आती है? इन लिपिड्स की वजह से आती है। और वो लिपिड्स कौन से हैं? फैटी एंड ट्राइग्लिसराइड। और दैट लिपिड ट्रांसपोर्ट फ्रॉम द मेटाबॉलिक फ्यूल, जो मेटाबॉलिक फ्लूड को ट्रांसपोर्ट करते हैं वो है फ्री फैटी एंड ट्राइग्लिसराइड एंड कोलेस्ट्रॉल एस्टर। एंड दे प्रोवाइड, एंड नेक्स्ट पॉइंट क्या था? दे प्रोवाइड द स्ट्रक्चर कंपोनेंट ऑफ मेम्ब्रेन,
जो मेम्ब्रेन को स्ट्रक्चरल कंपोनेंट पे प्रोवाइड कराते हैं वो है फॉस्फोलिपिड्स, ग्लाइकोलिपिड्स, गैलेक्टोलिपिड्स एंड स्पिंगोलिपिड्स। दे हैव प्रोटेक्टिव फंक्शन इन बैक्टीरिया, प्लांट, इंसेक्ट एंड वर्टिब्रेट्स, मल्टीब्रेट्स, सर्विंग एज अ पार्ट ऑफ द आउटर कोटिंग बिटवीन ऑफ द बॉडी, द ऑर्गेनिज्म एंड द एनवायरमेंट। इट सर्व एज अ पिगमेंट, कैरोटीन, हार्मोन, विटामिन ए एंड डी, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल, इकोसेनॉइड्स, फॉस्फेटाइडाइल लिनिसिटॉल, स्टेरॉल हार्मोन, कोफैक्टर, विटामिन ई के एंड लिपिड, क्विनोन्स, डिटर्जेंट, बाइल एंड साल्ट। और हेयर मैं कोफैक्टर के बारे में बताऊंगा क्योंकि यहाँ से भी कोफैक्टर के बारे में कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। और कोफैक्टर के एग्जाम्पल क्या है ये तो यहाँ लिखा ही है, कोफैक्टर के एग्जाम्पल विटामिन ई के एंड लिपिड्स। और यहाँ और बता दूँ विटामिन ई को कहते हैं साइंटिफिक नेम जो है वो है टोकोफेरॉल, एंड के का है फाइलोक्विनोन। और मैं आपको एक बात और बता दूँ, जिन भी फ्रेंड्स को या जो भी स्टूडेंट हैं विटामिन्स के नाम याद करने में कोई परेशानी है और उनसे होने वाले डिजीज, तो मैंने एक वीडियो बनाई है, उस वीडियो को जरूर देखें आपको, वो मैंने ट्रिकी वीडियो बनाई है, आपको विटामिन के नाम याद हो जाएंगे। और विटामिन ई जो होता है वो एंटीऑक्सीडेंट भी यूज होता है। तो मैं बता रहा था कोफैक्टर, तो कोफैक्टर क्या होते हैं, कोफैक्टर होते हैं और नॉन प्रोटीन प्रोटीन केमिकल कंपाउंड, ये नॉन को प्रोटीन केमिकल कंपाउंड होते हैं उन्हें कोफैक्टर कहते हैं। और एक कोएंजाइम और इससे रिलेटेड पूछा जाता है कंप्यूटर, मैं बता दे रहा हूँ, कोएंजाइम ऑर्गेनिक नॉन प्रोटीन कंपाउंड होते हैं। और इसके एग्जाम्पल हैं कोएंजाइम के NAD एंड FAD। और कोफैक्टर जो होते हैं वो लूजली बाइंड होते हैं विद एंजाइम के साथ। एंड यहाँ एक और क्वेश्चन पूछा था मैचिंग द वर्ड में, ये मैंने देखा है पूछा गया कंप्यूटर में, एपो एंजाइम, एपो प्रोटीन, कोफैक्टर, को एंजाइम। तो मैं एपो एंजाइम, एपो प्रोटीन के बारे में बता देता हूँ। एपो प्रोटीन आल्सो नोन एज द एपाइलो प्रोटीन या एपो प्रोटीन। और वॉट इज एपो प्रोटीन, या तो एपो प्रोटीन विद आउट प्रोस्पेक्टिक ग्रुप, जो भी प्रोटीन विदाउट प्रोस्पेक्टिक ग्रुप होते हैं उन्हें एपो प्रोटीन कहते हैं। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन देयर केमिकल कंपोजिशन, सिंपल लिपिड्स, कंपाउंड लिपिड्स, ड्राइव लिपिड्स, सिंपल लिपिड्स और होमो लिपिड्स। यू से सिंपल लिपिड्स या होमो लिपिड्स, एंड दीज आर एस्टर ऑफ फैटी एसिड विद वेरियस एल्कोहल, कंपोनेंट कंपाउंड लिपिड्स और यू कॉल्ड हेट्रोलिपिड्स आल्सो। दीज आर एस्टर ऑफ द फैटी एसिड विद एल्कोहल एंड पॉजिटिव एडिशनल ग्रुप आल्सो। ड्राइव लिपिड्स, दीज आर द सब्सटेंस ड्राइव फ्रॉम द सिंपल एंड कंपाउंड लिपिड बाई हाइड्रोलिसिस। डाइट लिपिड्स प्रोड्यूस बाई कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल एंड कंपाउंड लिपिड्स आल्सो लिपिड्स बाई हाइड्रोलिसिस, दे कॉल्ड ड्राइव लिपिड्स। वॉट इज सिंपल लिपिड्स, द सिंपल लिपिड्स इंक्लूड फैट, ऑयल एंड वैक्स। दीज सिंपल लिपिड आर ड्राइव ऑफ लिपिड लाइक सब्सटेंस कॉल्ड फैटी एसिड। फैटी एसिड आर लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड जनरली सॉरी ग्रेटर देन 12 कार्बन, दैट हैव नो सॉलिबिलिटी इन वाटर। हाइड्रोफिलिक COOH ग्रुप इज रेफर टू एज पोलर हेड एंड हाइड्रोफोबिक हाइड्रोकार्बन प्रोटीन इन रेफर टू सॉरी नॉन पोलर टेल। तो मैं यहाँ अभी एक चीज़ और आपको बताऊँगा, यहाँ एक वर्ड आया है हाइड्रोफिलिक। तो हाइड्रोफिलिक क्या होते हैं, सॉरी गाइज मैं पिछले 2 दिन से बीमार हूँ। हाइड्रोफिलिक होते हैं वाटर लविंग एंड हाइड्रोफोबिक होते हैं वाटर फियरिंग। तो जो सिंपल लिपिड्स होते हैं वो हाइड्रोफिलिक होते हैं और ये वाटर में सॉल्युबल होते हैं।
एंड हाइड्रोकार्बन प्रोटीन रेफर टू एन नॉन पोलर टेल. नेक्स्ट कंपाउंड लिपिड्स, दे आर फैटी एसिड एस्टरीफाइड विद एल्कोहल बट इन द एडिशन दे कंटेन अदर ग्रुप. डिपेंडिंग ऑन दीज एक्स्ट्रा ग्रुप दे आर सब क्लासिफाइड एज फॉस्फोलिपिड्स कंटेनिंग फॉस्फोरिक एसिड, नॉन फॉस्फोलाइटेड लिपिड्स. नेक्स्ट ड्राइव लिपिड्स, तो ड्राइव लिपिड्स आर सब्सटेंस ड्राइव फ्रॉम सिंपल एंड कंपाउंड लिपिड्स बाई हाइड्रोलिसिस. दीज इंक्लूड फैटी एसिड, एल्कोहल, मोनोग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड एंड स्टेरॉइड एंड कैरोटेनॉइड्स. बेस्ड ऑन पोलैरिटी, बेस्ड ऑन पोलैरिटी लिपिड्स आर क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स, दैट इज पोलर लिपिड्स एंड नॉन पोलर लिपिड्स. पोलर लिपिड्स दे आर चार्ज मॉलिक्यूल एंड सॉल्वेबल इन पोलर सॉल्वेंट लाइक एल्कोहल एसीटोन. डैट मॉलिक्यूल सॉल्वेबल इन पोलर सॉल्वेंट लाइक एल्कोहल एंड एसीटोन. पोलर लिपिड्स एग्जाम्पल, एग्जाम्पल फॉस्फोलिपिड, ग्लिसरॉल लिपिड, फैटी एसिड पोलर लिपिड्स के एग्जाम्पल हैं. पोलर लिपिड्स एंड नॉन पोलर लिपिड दे आर अनचार्ज मॉलिक्यूल सॉल्वेबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट लाइक ईथर, बेंजीन, हेक्सेन, ईटीसी. नेक्स्ट बेस्ड ऑन सेपोनिफिकेशन, इट इज द क्लासिफाई बेस्ड ऑन द एबिलिटी ऑफ लिपिड्स टू रिएक्ट विद एल्कलाइन सेपोनिक प्रोसेस, सेपोनिफिकेशन प्रोसेस टू फॉर्म सॉप ऑन रिएक्शन लिपिड आर ग्रुप वाइज सेपोनिफिकेशन लिपिड्स एंड अनसेपोनिफिकेशन लिपिड्स. तो सेपोनिफिकेशन डेड लिपिड्स रिएक्ट विद एल्कलाइल एल्कलाई एंड फॉर्म सॉप एंड प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट डेट कॉल्ड सेपोनिफिकेशन सेपोनिफिएबल लिपिड्स. तो एग्जाम्पल क्या है, ग्लिसरलडिहाइड, फॉस्फोलिपिड्स, फैटी एसिड एंड कोलेस्ट्रॉल, एस्टर, ईटीसी. एंड अनसेपोनिफिकेशन डू नॉट रिएक्ट डेट एंजाइम डू नॉट रिएक्ट विद एल्कलाइल टू फॉर्म सॉप एंड प्रेजेंट इन रिलेटिवली स्मॉल अमाउंट डेट कॉल्ड अनसेपोनिफिएबल लिपिड. हेयर एग्जाम्पल फैट सॉल्वल विटामिन, एस्ट्रोल, हाइड्रोकार्बन, कार्बोनिल ईटीसी. थैंक यू गाइज, ये पार्ट वन है, पार्ट टू अगली वीडियो आएगी. और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. अगर किसी भी स्टूडेंट को नोट्स चाहिए तो फूड एग्री क्लासेज निःशुल्क नोट्स प्रोवाइड कराता है. आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं. थैंक यू.